जी नमस्कार जय हिंद टू ऑल ऑफ यू क्या हाल चाल आप सभी का निश्चित तौर पर एक बेहद महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूं वैसे लाना था मुझे आदि पुरुष लाना था मुझे आदि पुरुष और उससे जुड़ा विवाद लेकिन मेरे कुछ सुप्रीम कोर्ट के मित्रों ने बताया कि जिन विषयों पर मैं चर्चा करने वाला हूं मतलब मैं बातें करता रहता हूं जिन विषयों पर मैं चर्चा करने वाला हूं उसको लेकर एक ग्रेट पेटिशन हुई है इसलिए मैटर सब जुडाइस है काफी कुछ बदलना पड़ता है इसलिए मैंने कहा कि आदि पुरुष कल या परसों लेकर चलेंगे एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्योंकि जब कोई मैटर सब्जुडाइस रहता है तो उस पर टीका टिप्पणी करने का हक इस देश के किसी नागरिक को नहीं है तो मैंने कहा कोई बात नहीं एक बेहतरीन टॉपिक दूसरा है जो हमारे यूपीएससी की जर्नी में हमारा साथ देगा वो टॉपिक है दिल्ली स्टेट दिल्ली स्टेट फूड पर लेकर आपको आगे बढ़ूंगा इंडियन एक्सप्रेस ने एक बेहतरीन आर्टिकल पब्लिश किया है अपने एडिटोरियल सेक्शन में आप यदि उसका अवलोकन करें उसका अध्ययन करें तो आपको लगेगा है कि यह यह परफेक्ट परफेक्ट है ये है यूपीएससी में आने वाला क्यों भाई तो भोली रोशन अनुराग वैदेही सारे बच्चों को सुपर सिक्सटी में जल्दी जल्दी बता दो कि मैं आ गया हूं ठीक है कल रात की तो क्लास नहीं चल पाई लेकिन अभी चलेगी चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से बिना समय गवाए तो आभार है डॉक्टर ए डॉक्टर ए इंडियन एक्सप्रेस का आभार है इंडियन एक्सप्रेस का इसके एडिटोरियल सेक्शन का बहुत बढ़िया आर्टिकल था आर्टिकल कुछ ये है कि जो स्टेटहुड है दिल्ली और दिल्ली की सरकार बेटा पूरे देश में इस समय कैंपेन चला रही है आप देखेंगे सारे विपक्षी नेता बैठे हुए हैं अरविंद केजरीवाल के साथ और एक बड़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी है बड़ी पॉलिटिकल घटना है कंटेम्प्रोरी करंट अफेयर की कि दे आर डिमांडिंग स्टेटहुड और वो ऑर्डिनेंस के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन आपको यह समझना होगा कि यह जो स्टेट हुड का मुद्दा है यह इतना आसान नहीं है केवल मांग कर लेने से दिल्ली को स्टेट हुड नहीं मिल जाएगा क्योंकि यह लड़ाई बड़ी पुरानी है इसकी चर्चा संवैधानिक सभा में भी हुई नेहरू जी के भी सामने हुई इसलिए यह जो मैटर है यह परफेक्ट मैटर है यूपीएससी में आने के लिए इसलिए मैंने कहा कि स्टेट हुड की चर्चा करेंगे वैसे तो तुम में से ज्यादातर बच्चे जो अभी ज्वाइन करेंगे जो है उनको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे कारण हैं जो स्टेट होड बनने के राह में रोड़ा है वो संवैधानिक रोड़ा है आप उसे हटा नहीं सकते और यदि इतना ही आसान होता हटा देना तो यार पचहत्तर साल में हटा नहीं दिए होते पक्के तौर पर पचहत्तर साल में हटा दिए होते तो चलिए इंडियन एक्सप्रेस के इस एडिटोरियल को बेटा अपन पढ़ते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आप तैयार हैं लेकिन एक बात है यदि आप लिखोगे नहीं तो फिर बेटा कोई फायदा नहीं होने वाला आपको लिखना पड़ेगा खूब लिखना पड़ेगा क्योंकि प्योर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है ठीक है चलो मैं शुरुआत करता हूं आप सभी का स्वागत के साथ अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मेरे प्यारे बच्चों स्वागत है यह तस्वीर देखिए दिल्ली के एल साहब की है अभी सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दिया था तब भी हमने इस तस्वीर की चर्चा की थी वैसे दिल्ली का जो एलजी रहता है उसके साथ जो विवाद होता है वो जुड़ा रहता है नहीं वो भी जो नई वाली सरकार है आम आदमी पार्टी की तो उसका ल्यूट्नेंट गवर्नर ल्यूट्नेंट गवर्नर अब संवैधानिक है तो दिल्ली के सीएम कहेंगे हम भी तो संवैधानिक है सिक्सटी नाइन संवैधानिक संशोधन से तो आपको समझना होगा कि इंडियन एक्सप्रेस ने कहा कि हम क्यों डिबेट कर रहे हैं उस तो कारण होगा वाई वी आर डिबेटिंग दिस चलो आगे लेकर चलता हूं आपको ठीक है इंडियन एक्सप्रेस लिखता है परसों नर्सों का आप इंडियन एक्सप्रेस अगर पढ़े होंगे वैसे पढ़ना चाहिए हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल दोनों का पढ़ना चाहिए और इंडियन एक्सप्रेस ने तो यूपीएससी को लेकर एक बिल्कुल सेपरेट कैटेगरी बना दिया यूपीएससी यूपीएससी स्पेशल करके उसका जरूर सब्सक्रिप्शन ले लो बहुत फायदेमंद है तुम्हारे लिए तो बेटा आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड अमस वर्डिक्ट ऑन मई इलेवन इन फेवर ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट ऑन हु शुड कंट्रोल द ब्यूरोक्रेसी इन द नेशनल कैपिटल आप समझिए बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है तिथियां बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं एक तिथि है आज की आज की मतलब बहुत सारे बच्चों ने मुझसे क्वेरी वगैरह की बातचीत की मैसेज किया कुछ बच्चों ने एडमिशन लिया वो जो वन पॉइंट फाइव एक्स वाला पीरियड है फ्री वाला इस तिथि से मुझे याद आया वो आज खत्म हो रहा है तो मैं भी टेलीग्राम पर भी बता दूंगा अपने वीडियो से एक संदेश भी दे दूंगा तुम लोग को भी बता रहा हूं अंत में भी बता दूंगा आज के बाद नहीं मिलेगा ऑफर फिर मत कहना कि गुरुजी दिलवा दीजिए आप तो गुरुजी चाहेंगे तो हो जाएगा नहीं नहीं भैया उत्तर प्रदेश सरकार नहीं है अन अकेडमी है आज आखिरी दिन है यदि वन वाला पीरियड फ्री चाहिए तो आज ही बात करनी होगी मुझसे बात कर लो मेरी टीम से बात कर लो ठीक है ग्यारह मई ग्यारह मई को क्या हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सरकार में एक बड़ा फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सरकार के लिए एक बड़ा फैसला दिया कि ये जो नौकरशाही है ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये जो सिविल सर्वेंट है सबसे नॉनिमस है इसका कंट्रोल दिल्ली की सरकार के पास रहेगा और जिस दिन ये जजमेंट आया था उस दिन भी मैं ये आर्टिकल लेकर आया था ये मतलब इससे जुड़ा हुआ आर्टिकल लेकर आया था और मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा आदेश दिया है क्योंकि जब तक आपके पास कंट्रोल नहीं है सिविल सर्वेंट्स का भाई सिविल सर्वेंट ही स्टेट चलाएंगे तुम ही लोग तो चलाओगे कल को जब तक कंट्रोल नहीं है ट्रांसफर का पोस्टिंग का डरा देने का कभी कभी चीफ मिनिस्टर डरा देता है एक हफ्ते में अपने जिले को सही कर लो नहीं तो ट्रांसफर कर देंगे सस्पेंड कर देंगे तो बेटा डीएम वगैरह डर जाते हैं अब दिल्ली वालों को पता है दिल्ली के जो सिविल सर्वेंट है अरे अरविंद केजरीवाल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे ये डर बड़ा महत्वपूर्ण है तो कहने का मतलब है कंट्रोल को लेकर 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया दिल्ली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा एक बार समझ लो वैसे मैं पढ़ा चुका हूं जस्ट फॉर सेक ऑफ ऑफ एज पर द रूलिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली पजेज अथॉरिटी टू इनेक्ट लॉज एंड ओवरसी सिविल सर्विसेस इन दी नेशनल कैपिटल आपको बेटा इस बात को एप्रिशिएट करना होगा जब आप एग्जामिनेशन में लिखेंगे आपकी समझ के लिए कि नॉर्मल निर्णय नहीं है यह संवैधानिक बेंच का निर्णय है अब संवैधानिक बेंच का निर्णय क्यों बनता है अरे भैया क्यों क्या बनता है जल्दी अपील वगैरह ना हो जल्दी उसे टर्न डाउन ना किया जा सके उसकी ग्रेविटी समझी जा सके सिंगल बेंच का जजमेंट आ गया डीबी का आ गया तो सरकार को भी तो पता है अरे ठीक है देख लेंगे ऊपर चले जाएंगे इसके ऊपर कहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि संवैधानिक बेंच का गठन कठिनाई खुद है संवैधानिक बेंच है भैया तो कोई ऑप्शन बहुत ज्यादा बचा नहीं संवैधानिक बेंच कह रही है कि दिल्ली की सरकार के पास कंट्रोल होना चाहिए द कोर्ट रेस्ट्रिक्टेड दुरिस्डिक्शन ऑफ एल जी लेफ्टिनेंट गवर्नर टू द ब्यूरोक्रेट्स इन थ्री डिस्टिंग डोमेन पब्लिक ऑर्डर लैंड भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो दिल्ली के एल जी साहब हैं, माननीय एल है जी साहब उनके पास जुरिस्डिक्शन है उनके पास जुरिस्डिक्शन मधु पांडे मधु पांडे आइए कि नहीं रात को मधु पांडे तैयार थी बारह बजे क्लास के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एल के लिए कहा कि जुरिस्डिक्शन है लेकिन केवल तीन विषयों को लेकर वो तीन विषय बेटा क्या है वो तीन विषय हैं जब दिल्ली की सार्वजनिक व्यवस्था की बात आएगी जब दिल्ली की पुलिस की बात आएगी और जब दिल्ली की जो भूमि है उसकी बात आएगी तो ठीक है राज्यपाल के पास कंट्रोल होगा लेकिन इन तीनों विषयों को छोड़कर दिल्ली की जनता जिसे हम भारत के लोग कहते हैं दिल्ली की जनता ने जिस सरकार का चुनाव किया है बेटा उस सरकार के पास अथॉरिटी है कि अफेयर क्या होंगे पॉलिसी क्या होगी लॉ क्या होगा है कंट्रोल किसके पास रहेगा ठीक है अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना क्योंकि ये सारे विषय मैं पढ़ा चुका हूं इसलिए थोड़ी सी जल्दी तेजी से बढ़ रहा हूं मेरा टॉपिक कुछ और है कि स्टेटहुड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए ऑन थ ऑफ मे अभी जो बीती है दिस सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली ऑर्डिनेंस अब आप ध्यान से समझिएगा यदि आप न्यूज वगैरह देखते होंगे अगर न्यूज पेपर पढ़ते होंगे तो आप देखेंगे कि विपक्षी एकता की बात हो रही है नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो ठीक है वो उनका अधिकार है पॉलिटिकल राइट्स वगैरह है उसमें अपने को टीका टिप्पणी नहीं करनी ये जो सारे विपक्ष के नेता अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी अखिलेश यादव जी, जी सारे बड़े बड़े दिग्गज दिग्गज नेता अपने अपने राज्यों के यदि बेटा बैठ रहे हैं दिल्ली में यदि कह रहे हैं कि कल को हम किसी दूसरे राज्य में बैठेंगे बहाना क्या है ये ऑर्डिनेंस मतलब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया दिल्ली की सरकार के फेवर में निर्णय दे दिया अब मोदी जी वाली जो सरकार है जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली सरकार है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को डायल्यूट करने के लिए एक ऑर्डिनेंस लेके आती है और ये कोई नया नहीं है बहुत बार ऐसा हुआ है कि केंद्र सरकार ने ऐसे ऑर्डिनेंसेस लेकर आती है जिससे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटा जा सके वो सही भी है गलत भी है सही क्यों है भैया उनके कॉम्पिटेंस में आता है सातवीं अनुसूची ने उनको ये पावर दी है ऑर्डिनेंस वगैरह की प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस इश्यू करते हैं जो कही कहीं ना कहीं टू अ लार्जर एक्सटेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को डाइल्यूट करता है आप कहेंगे गुरु जी ये तो गलत है राजनीति है नहीं तो अपने को समझना है ये जो ऑर्डिनेंस है इसके बेटा चीफ कैरेक्टरिस्टिक मैंने पिछली बार भी बताया था अभी भी बता देता हूं आप बस जो मैंने हाईलाइटन किया है ना बोल्ड वगैरह इटैलिक पुष्कर है तो आप उसको देखिएगा द ऑर्डिनेंस वॉज इनेक्टेड टू इंस्टीट्यूट नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेस अथॉरिटी आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑर्डिनेंस क्या करना चाहता है जो केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आई है वो क्या करना चाहती है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है इसी अथॉरिटी को स्टैब्लिश करना ये अथॉरिटी क्यों स्टैब्लिश करना चाहती है ये अथॉरिटी इसलिए स्टैब्लिश करना चाहती है कि जो सिविल सर्वेंट है उनका ट्रांसफर उनकी पोस्टिंग उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन उनका प्रमोशन व्हाट्स जितनी भी चीजें हो सकती हैं वो अधिकार कहीं ना कहीं घूम फिर के एलजी के पास रहे एलजी के बहाने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहे ठीक है अभी तक यही होता आया है संविधानिक है कुछ गलत नहीं कर रही केंद्र सरकार अब आप यह कह सकते हैं कि सर ये गलत है सही है लेकिन मैं कहूंगा संविधानिक है संविधान बदल दो भाई सिक्सटी नाइन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आए इस देश की पार्लियामेंट कहने का मतलब है आज जो आज हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस अथॉरिटी को स्टैब्लिश करना चाहती है जो कह रही है कि जब ट्रांसफर की बात आएगी जब पोस्टिंग की बात आएगी जब विजिलेंस की बात आएगी जब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग की बात आएगी जब उनके खिलाफ मुकदमे को चलाने के लिए संस्तुति की बात आएगी किसके खिलाफ चपरासी ग्रुप सी ग्रुप बी नहीं ग्रुप ए मतलब तुम लोग कल तुम लोग आईपीएस बनोगे, बनोगे ग्रुप ए के अधिकारी बनोगे ये ग्रुप ए के जो ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी हैं समझिएगा इंडियन पुलिस सर्विस को छोड़कर छोड़ अरे इंडियन पुलिस सर्विस को लेकर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है वो तो ऑलरेडी एमएचए उसके लिए बैठी है भाई पुलिस को लेकर लैंड को लेकर ये पब्लिक ऑर्डर को लेकर तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं ऑर्डिनेंस कहता है इंडियन पुलिस सर्विसेज को छोड़कर आईपीएस को छोड़कर ग्रुप ए की ऑल इंडिया सर्विसेज के जितने अधिकारी होंगे चाहे दिल्ली की बात कर लो अंडमान एंड निकोबार की बात कर लो लक्षद्वीप की बात कर लो दीव दादर नागर हवेली वगैरह की बात कर लो ये जो अधिकार है कहीं ना कहीं एलजी के पास रहेगा कमेटी बनाने की बात की गई कमेटी में कौन कौन रहेगा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं उसमें मुझे जाना ही नहीं है मेरा विषय यह है जब भी देश में कोई संवैधानिक घटनाक्रम होता है जब भी देश में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होता है तो उससे बेटा कई टॉपिक जुड़े होते हैं एक ऑर्डिनेंस आया हमने उसे पढ़ लिया लेकिन इसी ऑर्डिनेंस से वो वाली बहस भी छिड़ गई कि दिल्ली को मिलना चाहिए कि नहीं दिल्ली की 80 परसेंट जनता कह रही है कि हमें मिलना चाहिए एक सर्वे सर्वे है सी वोटर सर्वे, अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में दिल्ली की अस्सी परसेंट से ज्यादा जनता मेरे प्यारे बच्चों कह रही है कि हमें स्टेट हुड मिलना चाहिए लेकिन केंद्र सरकार स्टेट हुड देने के पक्ष में नहीं है अब अनिकेत रावत आपको समझना होगा प्रीति सिंह आपको समझना होगा ओम किशोर बेटा 2024 का लोकसभा का चुनाव सामने है तो ऑर्डिनेंस को लेकर जो विरोध है दिल्ली की सरकार का वो विरोध बेसिकली स्टेटहुड को लेकर है ठीक तो है यार 2024 में चुनाव है 2024 में तुम लोग को यूपीएससी देना है तुम में से बहुत सारे बच्चे प्रलिम्स निकाल लेंगे मुझे पता है यह टॉपिक मिल जाएगा परोच, परोच डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको एग्जामिनेशन में यह टॉपिक मिल जाएगा क्यों पूजा ठाकुर ठीक है गुड मॉर्निंग राम सिंह चालिए ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट इसकी हिंदी अगली स्लाइड पे मिल जाएगी मैं अभी पीडीएफ शेयर करूंगा ठीक है दिन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ एन सी टी ठीक हैज परिस्टेड फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम इन दिस सिनेरियो द क्वेश्चन एज टू वेदर ग्रांटिंग स्टेट वुड इफेक्टिवली रिजोल्व दी परसिस्टेंट पावर स्ट्रगल कहने का मतलब है अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर होने के नाते हमें स्टेट दे दो समझिएगा बड़ा महत्वपूर्ण तो विषय है इंडियन एक्सप्रेस लिख रहा है अब आप समझिए इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ऑर्डिनेंस वापस ले लो क्या केवल ऑर्डिनेंस वापस लेने से विवाद खत्म हो जाएगा अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं आए बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं मेरे मतलब मनपसंद राजनेता अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं हमें स्टेट हुड दे दो अब आपको समझना होगा अब आपको समझना होगा कि क्या केवल स्टेट हुड दे देने से रोशन झा पावर स्ट्रगल खत्म हो जाएगा मेरे हिसाब से कभी नहीं होगा ये तो नेवर एंडिंग डिमांड है ना बिहार के पास स्टेट हुड है पावर स्ट्रगल खत्म हो गया हमको स्पेशल पैकेज दे दो पचास हजार करोड़ का बंगाल के पास स्टेट हुड है पावर स्ट्रगल खत्म हो गया पंजाब के पास इन्हीं की सरकार है पूर्ण रूप से स्टेट हुड है सबसे रिच सरकार क्या बेटा पावर स्ट्रगल खत्म हो गया तो अगर ये कहा जाए कि अरे ठीक है यार स्टेट हुड दे दो झूठ मुठ का क्यों पावर स्ट्रगल करना नहीं भाई खत्म ही नहीं होगा इसके पीछे बहुत संवैधानिक कारण है राजनीतिक कारण है अपने को राजनीति में नहीं पढ़ना अपने को संविधान को लेकर आगे बढ़ना है अब आपको समझना होगा कि जब मैं दिल्ली की बात करता हूं ठीक है दिल्ली यूटी है सभी को पता है जब अपन दिल्ली की बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस लिख रहा है अनलाइक द अदर यूनियन टेरिटरीज लिस्टेड इन देश वन ऑफ दिट्यूशन दिल्ली वॉज गिवन द टाइटल एनसीटी बेटा यूटी है तो दूसरे यूटी की तरह क्यों नहीं है यूटी है तो ये विवाद क्यों नहीं है ये विवाद क्यों है क्षमा करिएगा अगर दिल्ली यूनियन टेरिटरी है तो बाकी यूनियन टेरिटरी वाले तो इतना नाटक नहीं कर रहे हैं बाकी यूनियन टेरिटरी वाले तो इतना ज्यादा विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं दिल्ली ही क्यों कर रही है क्योंकि बेटा दिल्ली जो है ना अलग है अलग मतलब संवैधानिक रूप से अलग है दिल्ली को लेकर एक बड़ा महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन बेटा उन्नीस में हुआ था कम से कम मुझे लगता है सौ डेढ़ सौ बार ये एग्जाम में आ चुका है सवाल यूपीएससी में जुडिशरी में एसपीएससी में दिल्ली के लिए जो सिक्सटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया बेटा उसने आर्टिकल टू थर्टी नाइन डबल ए को इनकॉर्पोरेट किया ठीक है अब यह आर्टिकल टू थर्टी नाइन डबल ए बेटा दिल्ली के लिए कहता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी आप मुझे किसी यूनियन टेरिटरी के बारे में बताइए जिसके पास एक अलग टाइटल है क्यों किसी भी यूनियन टेरिटरी के बारे में बताइए तो विषय यह उठता है कि गुरुजी हम लोगों को बता दीजिए कि दिल्ली की सरकार क्या है ठीक है आप कहिए कि गुरुजी क्या जैसे अरे वाह बा, बाहुबली आ गया बाहुबली युद्ध में जाने के पहले पूछता है क्या है मृत्यु है ना तो फिर सबको बताता है फिर सारे लोग एकदम मोटिवेट हो जाते हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूं तो फिर क्या है दिल्ली की सरकार हम उसे कह रहे हैं कि वो यूनियन टेरिटरी है लेकिन हम कह रहे हैं दूसरी यूनियन टेरिटरी से जुदा है हम कह रहे हैं उसके लिए संवैधानिक संशोधन लेकर आया गया एकमात्र यूटी जिसके आगे जुड़ा है एनसीटी तो सर क्या है दिल्ली की सरकार मैं बतलाता हूं हमेशा याद रखना गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी दिल्ली मींस इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली अब आपको ध्यान से समझना होगा पहला विषय क्या है दिल्ली सरकार दिल्ली की सरकार वो है जिसे दिल्ली की जनता ने रोशन वगैरह ने चुना जिसे आप कहेंगे द गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली ये है दिल्ली की सरकार ठीक है और क्या है दिल्ली की सरकार दिल्ली की सरकार का मतलब है वहां की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दिल्ली की सरकार का मतलब है वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली आप कहेंगे गुरुजी एलजी कहां गया जो सुप्रीम कोर्ट का ताजा निर्णय है है ना उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं दिल्ली की सरकार का क्या मतलब है कल को आपसे पूछा जाए क्या है दिल्ली की सरकार आप कहेंगे ये दिल्ली की सरकार और अगर ये है दिल्ली की सरकार तो आप ताकत दीजिए दिल्ली की सरकार को कि वो हर विषय को लेकर हर विषय को लेकर लॉ बना सके भाई कहा जाता है दिल्ली जो है वो करोड़ों लोग उसमें रहते हैं अरविंद केजरीवाल जी का पॉलिटिकल कैंपेन यदि आप सुनेंगे सही भी कहते हैं मैं भी मानता हूं कि दुनिया की एकमात्र ऐसी राजधानी है जहां करोड़ों लोग रहते हो और उसका कंट्रोल उस सरकार के पास नहीं है जिसे वहां की जनता ने चुना हो भाई दिल्ली में भाजपा तो जीती नहीं दिल्ली में जीता कौन आम आदमी पार्टी तो कहने का मतलब है बेटा यदि दिल्ली की दिल्ली की जनता कोई ऐसी भी नहीं है पढ़ी लिखी नहीं है शराब दे दो धर्म के नाम पे है ये सारे फैक्टर हैं लेकिन उतने भी नहीं है जितने दूसरी जगह हैं ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं अवेयर लोग हैं तो ये नहीं कहा जा सकता कि दिल्ली की जनता को अंडी इन्फ्लुएंस कर लिया गया मिसरीप्रेजेंट कर लिया गया नहीं दिल्ली की जनता ने जिसे चुना उसके पास अधिकार होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट कह रही है दिल्ली सरकार का यह मतलब है ठीक है सुप्रीम कोर्ट कह रही है दिल्ली सरकार का यह मतलब है और बोलो केंद्र सरकार के खिलाफ लाइट ही चली गई इसीलिए हम केंद्र सरकार के खिलाफ जल्दी बोलते नहीं है भाई लाइट वगैरह तो उन्हीं की है ना चलो कोई बात नहीं अगर कोई दिक्कत होगी बेटा तो मुझे बताना ठीक है अब एक बेटा पीडीटी आचार्य जी हैं ये हमेशा न्यूज वगैरह में आते रहते हैं अगर आप देखोगे तो पीडीटी आचार्य ने इंडियन एक्सप्रेस में बड़ा प्यारा स्टेटमेंट दिया जो आपके संवैधानिक समझ को बढ़ाएगा मेरा काम क्या यूपीएससी के लिए आपको संविधान पढ़ाना तो संविधान वो केवल लक्ष्मीकांत से नहीं पढ़ना संविधान पढ़ना है ऐसे संवैधानिक विशेषज्ञों के निगाह से जो हर विषय को बेटा एक अलग नजरिए से देखते हैं लेकिन जिसके पीछे संविधान छुपा है यही यूपीएससी चाहता है आपसे यूपीएससी में आपको कोट करिए ना आप इनको पीडीटी आचार्य को ये सेक्रेटरी जनरल रहे लोकसभा के क्या कहते हैं द फंडामेंटल मैटर्स परटेनिंग टू मैटर्सोकेशन ऑफ अथॉरिटी बिटवीन एल जी एंड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट वी आर रिजोल्व बाई सुप्रीम कोर्ट इन द ईयर 2018 खुद पीडीटी आचार्य कह रहे हैं जिनको संविधान की बहुत अच्छी समझ है वो सेक्रेटरी जनरल रहे लोकसभा के उस लोकसभा के जहां से बिटा सारे बिल वगैरह निकलते हैं वो कह रहे हैं जब 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने आवंटित कर दिया कि जो मौलिक मामले हैं एलजी और दिल्ली के सरकार के रूप में बीच में किस रूप में बटेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्या है फिर विवाद क्या है भाई 2018 में भी एक निर्णय आया होगा आई होप आप एप्रिशिएट कर रहे हैं मैं उसे भी पढ़ा चुका हूं ये पीडीटी आचार्य कह रहे हैं क्या जब ऑलरेडी मैटर हैज बीन बाई सुप्रीम कोर्ट तो दे दो ना क्यों फिर ऐसा कर रहे हो जिससे एक विवाद हो रहा है अब चलिए आगे चलिए जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे टॉपिक कॉम्प्लिकेट होता जाएगा ठीक है ना दिल्ली हैज विद बोथ एंड पुदुचेरी दिस यूनिक केस दैट इंडिविजुअल इंडिविजुअलेशन उन्होंने कहा दिल्ली अंडमान पुदुचेरी तो है ही नहीं अंदमान और पुदुचेरी के लिए थोड़ी ना संवैधानिक संशोधन हुआ जिस तरीके से दिल्ली के लिए हुआ तो यदि इस देश की पार्लियामेंट ने दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया अगर दिल्ली के लोग चाहते हैं कि दिल्ली के सरकार के पास सारे अधिकार हों यदि देश की सुप्रीम कोर्ट कह रही है 2018-2023 में तो पीडीटी आचार्य जो सेक्रेटरी जनरल थे लोकसभा के वो कह रहे हैं दे दो स्टेट होड क्या प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है प्रॉब्लम चांदनी चौक को लेकर है कभी गए हो तुम तो लोग चांदनी चौक चांदनी चौक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिट्यूड दिलेक्टेड इन अ मैनर एक्ट ऑफ अस्टेट एंड दीक्यूटिव इज इनवेबली अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेटिव बड़े ये ध्यान से समझना हम लोग राज्यसभा में लोकसभा में बेटा एग्जीक्यूटिव के लिए कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर पी डी टी आचार्य कहते हैं दिल्ली के चुनाव को देख लो एक बार दिल्ली का जो चुनाव है वो देश के दूसरे राज्यों के तर्ज पर ही होता है दिल्ली में सरकार का जो गठन है वो भी दूसरे राज्यों के सरकार के गठन के तरीके से होता है दिल्ली की जो एग्जीक्यूटिव है इसलिए बेटा वहां का जो लेजिस्लेटिव है उसके प्रति अकाउंटेबल है आप समझिएगा तो यह इंटरप्रिटेशन है इंटरप्रिटेशन मतलब क्या होता है इंटरप्रिटेशन मतलब होता है एक ही विषय के अलग अलग दृष्टिकोण भाई पीडीटी आचार्य को जो लग रहा है वो गलत नहीं लग रहा है कह रहे हैं आप चुनाव दिल्ली में करा रहे हैं सरकार बनवा रहे हैं शपथ वगैरह हो रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कह रही है दो दो बार सुप्रीम कोर्ट कह रही है संवैधानिक संशोधन उसको अलग पावर दे रहा है दिल्ली की जनता कह ही रही है तो क्यों आप एग्जीक्यूटिव को छोड़ रहे हैं बात केवल बेटा कार्यपालिका की नहीं है कार्यपालिका के बहाने स्टेट हुड के जो ऑब्जेक्टिव को साधने की है आगे बढ़ते हैं एक एक विषय लिखते जाइएगा अब ये कोई ऐसी क्लास नहीं है जिसमें मैं आपको कोई निष्कर्ष बता सकूं कि टू प्लस टू इजिकल टू फोर इन टू टू इजिकल टू एट नहीं ये बेटा कहते हैं ना लॉजिकल क्लास है पच विपच क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं जेल में बंद है बेचारे अभी कुछ दिन के लिए शायद बाहर आए हैं लंबे समय से शराब वाले विषय में वो भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं जो मनीष सिसोदिया कह रहे हैं आपको कन्विंसिंग लगेगा मुझे भी लगा जब मैंने पढ़ा था मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं रोशन झा ओम किशोर बबली यादव सबको समझ में आ रहा सर वॉचिंग इतनी कम क्यों हो रही है ले भैया प्रिया गोवाल की चिंता यह नहीं है कि मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं या एपी सर जैसा टीचर क्या पढ़ा रहा है प्रिया गोवाल की चिंता है वॉचिंग कम क्यों है ये प्रिया गोवाल करोगी क्या मान लो इसमें अभी छह सौ सत्तर बच्चे होते फिर क्या हो जाता तुम तो बेटा अकेले ही हो ना समझो तुम पूरी शिद्दत से पढ़ो और तुम्हें यदि लगता है कि कैमरे के सामने जो इधर व्यक्ति खड़ा है उसके पास कॉम्पिटेंस है एलिजिबिलिटी है तुम्हें आगे लेकर जाने की तो तुम्हें क्या मतलब है मनीष सिसौदिया जेल में बंद है लेकिन लड़ रहे हैं क्यों चलो समझो मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं एज पर द स्टेटमेंट मेड बाय मनीष सिसोदिया, द डीसीएम ऑफ डीसीएम मतलब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ड्यूरिंग द ईयर 1991 मनीष सिसोदिया कह रहे हैं द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली थ्रू 69th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन took place when the population of the city was comparatively less बिल्कुल सही बात है मुझे नहीं पता 1991 में दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी थी लेकिन 2023 जितनी तो नहीं रही होगी उससे बहुत कम रही होगी कहां यह गया जब सिक्सटी नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया जहां पर केंद्र सरकार को एल को पावर दी जाती है पुलिस को लेकर लैंड को लेकर पब्लिक पीस सेफ्टी वाला जो विषय है पब्लिक ऑर्डर तो दिल्ली की पॉपुलेशन बड़ी कम थी ठीक है उस समय के लिए तब की जरूरतों को एड्रेस करने के लिए पार्लियामेंट ने संवैधानिक संशोधन लाया जहां पर एलजी को पावर दे दी गई लेकिन संविधान तो स्वयं को बदलता है लॉ तो स्वयं को बदलता है सरकारें स्वयं को बदलती हैं एक पॉलिसी हमेशा नहीं रहती है कहे कि हम उन्नीस सौ इक्यानवे के अमेंडमेंट में जो एलजी को पावर देता है तीन विषयों को लेकर हम आज भी क्यों उस पर स्टिक हैं कि नहीं नहीं एलजी के पास पावर एलजी के पास भाई बदलिए ना जरूरत आ गई है बदलने की क्यों दिल्ली की पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो गई है हमारे पास पुलिस नहीं है क्या नहीं बताइए साहब जिस मुख्यमंत्री के पास जिस विधायक सांसद के पास पुलिस नहीं है आई एम टेलिंग यू एक हारे हुए विधायक की कहानी हमारे उत्तर प्रदेश का है मेरे गांव के पास का है ठीक है उन्होंने कहा कि लोग मेरे पास आते हैं कि साहब ये काम करवा दीजिए पुलिस सुनी नहीं रही हम तो हार गए चुनाव सोचो उसका दर्द समझिए कि आम जनमानस की जो सबसे बड़ी जरूरत है बेटा वो है पुलिस अब पुलिस सुनेगी नहीं उसको पता है अरे सांसद विधायक जी का क्या करना है ये हमारा ट्रांसफर करा ही नहीं सकते हैं ये हमारी पोस्टिंग करा ही नहीं सकते हैं आप तो डरेगी नहीं डरेगी नहीं तो जनता का काम नहीं होगा जनता का काम नहीं होगा तो वो आपको तवज्जो नहीं देगी तो ये कह रहे हैं क्या मजाक है भैया उन्नीस सौ की दिल्ली थोड़ी ना ये दो हजार तेईस की दिल्ली है इसलिए हम कहते हैं हमें स्टेटहुड मिलना चाहिए क्यों इसलिए हम कहते हैं हमें स्टेट स्टेटहूड मिलना चाहिए चलो प्रेजेंटली पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी मिलियन बॉपरे बो हमको लगता है इससे भी ज्यादा होगी वो सब जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं जो सब बस्ती वस्ती में रहते हैं वहां तो पॉपुलेशन सर्वे क्या ही होता होगा मैं रहा हूं दिल्ली सात आठ साल तो कहने की बात है कि ट्वेंटी मिलियन है इससे और भी ज्यादा होगी अब आप समझिए यार ट्वेंटी मिलियंस के द्वारा चुना हुआ चीफ मिनिस्टर जिसके पास पुलिस नहीं है आज का टॉपिक क्या है स्टेट हुड क्यों मिलना चाहिए बेटा स्टेट इस हुड इसलिए मिलना चाहिए कि ट्वेंटी मिलियन वाला चीफ मिनिस्टर प्रीति सिंह भोली भारतवंशी मधु पांडे उसके पास बेटा पुलिस नहीं है जब मेरे 400 से ज्यादा विधायकों की एक हारे हुए विधायक की मैंने आपको पीड़ा बताई कि पुलिस नहीं है तो हम करें क्या तो आप समझिए ये चीफ मिनिस्टर क्या करेगा इसलिए बेटा ये लोग कहते हैं स्टेटहुड जरूरी है चलो आगे बढ़ते हैं इन मनीष सिसोदिया कहते हैं इन नो डेमोक्रेटिक सिस्टम एज अ गवर्नमेंट विद सच लिमिटेड पावर एंड दिस इज एबल टू रिप्रेजेंट अ पॉपुलेशन ऑफ टू करोड़ इंडिविजुअल मनीष सिसोदिया कहते हैं यार दुनिया में देख लो दुनिया में जाओ और दुनिया की जितनी डेमोक्रेटिक व्यवस्था है एक बार उसका अवलोकन कर लो रिव्यू कर लो क्या दुनिया का कोई ऐसा देश है जहां पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन के सरकार के पास पुलिस नहीं है लैंड नहीं है कहां विकास करेंगे लैंड तो सारी केंद्र सरकार रखी है ये जो डीडीए वगैरह है आप लोग अभी जाए बाग वगैरह कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है डीडीए की नहीं मोतिया खान वगैरह जाए आपको बड़े बड़े हजारों फ्लैट मिलेंगे अब आप समझिए दिल्ली की सरकार कह रही है कि हम ना डेवलपमेंट कर पा रहे हैं जमीन नहीं है अब आसमान में तो डेवलपमेंट होगा नहीं ना पुलिस है हमारे पास हम करें तो क्या करें ये दिल्ली की सरकार की जो पीड़ा है आप इसे संवैधानिक पीड़ा कह सकते हैं क्योंकि सही बात है द करेंट सिस्टम इज डीम्ड इन एडवोकेट एज इट इज नो लॉन्गर कैटर टू द नीड ऑफ दिल्ली ग्रोइंग पॉपुलेशन दस दटेनमेंट ऑफ स्टेट हुई डीम्ड नेसेसरी और ये जो पॉपुलेशन है ये दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली है हम लोग अभी कौन से क्लास थी हम लोग फैमिली प्लानिंग की बात कर रहे थे इतने करोड़ पॉपुलेशन को रेगुलेट करने के लिए पब्लिक ऑर्डर को स्टैब्लिश करने के लिए इनके डेवलपमेंट के लिए ना ज, वो जमीन है ना पुलिस है और आप आशा कर रहे हैं कि दिल्ली की सरकार बहुत अच्छा काम करेगी आलोचना करने वाले कहते हैं अरविंद केजरीवाल नए हैं अरविंद केजरीवाल जब चुनाव लड़े थे तो, तो उनको यह बात नहीं पता थी अरविंद केजरीवाल के पहले वाले मुख्यमंत्रियों ने क्या विकास नहीं किया मैं ऐसा कहता हूं कि यदि कुछ गलत होता आया अन्यायपूर्ण होता आया तो क्या जरूरी है कि उस अन्याय की बात करके आने वाले सैकड़ों वर्षों तक उसी अन्याय को आगे बढ़ाया जाए मानते हो कि नहीं मानते हो भाई ठीक है नहीं हुआ नहीं हुआ शीला दीक्षित जी नहीं लड़े इसके लिए मदन लाल खुराना नहीं लड़े इसके लिए यदि एक चीफ मिनिस्टर लड़ रहा है और सर्वे कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता भी कह रही है हमारे पास स्टेट रूट होना चाहिए तो जरूरी है ना और ये सारे विषय बेटा आपको तथ्यों के आधार पर सबूतों के आधार पर अपने एग्जामिनेशन में लिखने होंगे केवल कहने से देखो फर्क नहीं पड़ता हाँ मिलना चाहिए क्यों मिलना चाहिए लिखो ना कोट करो इसीलिए मैं ये आर्टिकल लेकर आया हूं सिंस द अर्ली 1960स देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द सिटीजन ऑफ दिल्ली फॉर स्टेट स्टेटहुड 2023 चल रहा है इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है आज से नहीं 1960 के दशक से दिल्ली के जनता कह रही है हमारे पास स्टेट स्टेटहुड होना चाहिए दिल्ली के बगल में हरियाणा अरे यार जो मन करे वो करें उसके बगल में पंजाब पूछना ही नहीं दिल्ली के बगल में यूपी पूछना ही नहीं दिल्ली के बगल में हिमाचल प्रदेश पूछना ही नहीं मतलब हर स्टेट के पास स्टेट होट है दिल्ली की एक सरकार ऐसी है बेचारी नहीं जो लड़ रही है अब समझिएगा इसी सर्वे की मैं बात कर रहा था बेटा ये 2015 में हुआ था सी वोटर सर्वे न्यूज चैनल वालों का है ना वो सब अपना इलेक्शन वगैरह के बाद भी सर्वे करते हैं सी वोटर सर्वे क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों सी वोटर सर्वे 2015 में एक सर्वे करता है और जितने लोगों को मतलब तो रैंडम लेते हैं ना जितने लोगों को सर्वे में शामिल किया गया उसमें से इक्यासी परसेंट लोगों ने बेटा एंडोर्स किया कि दिल्ली के पास खुद का स्टेट हुड होना चाहिए बहुत बड़ा कारण है लेकिन 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 केवल कहने मात्र से केवल जरूरत बताने से यदि दिल्ली को स्टेट मिल जाता तो यह लड़ाई क्यों रहती 1960 से दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि हमारे पास स्टेट हुड होना चाहिए क्यों नहीं है कुछ तो होंगे कारण जो दिल्ली के स्टेटहुड में सबसे बड़े ऑब्स्टेकल हैं उन्हें समझना पड़ेगा देखो है ना इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा आर्गुमेंट्स अगेंस्ट दिल्ली स्टेट हुड वो क्या क्या है दिल्ली डज नॉट बिकम ए स्टेट दिल्ली ये जो स्टेटमेंट है ये शर्मा जी हैं मैंने उनका नाम हटा दिया मैंने कहा झूठ मोठ का तुम लोग का सेलेबस बढ़ेगा तो वो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी रहे हैं दिल्ली के तो इंडियन एक्सप्रेस ने उनको कोट किया क्योंकि दिल्ली में चीफ सेक्रेटरी रहे सीनियर आई एस रहे तो मैंने उनका नाम हटा दिया लेकिन उन्होंने जो कहा निश्चित तौर पर रेलिवेंट है उन्होंने क्या कहा शर्मा जी ने उनका पूरा नाम मुझे याद नहीं है और याद करने की जरूरत भी नहीं है तुम लोगों को दिल्ली डज नॉट बिकम अ स्टेट जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉमिन क्लेचर ऑफ द चीफ मिनिस्टर दिल्ली के फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी कहते हैं कि केवल चीफ मिनिस्टर बना देने से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना देने से आप दिल्ली को नॉर्मल स्टेट मत समझिए दिल्ली अलग थी अलग थी मतलब जब खिलजी आया जो कल मैंने कहा मोहम्मद गौरी ने जब दिल्ली का सपना देखा मुगलों ने जब इसे कैपिटल के रूप में आगे बढ़ाया या अंग्रेजों ने उन्नीस में दिल्ली में जब अपने पैर जमाए दिल्ली हमेशा से अलग है आज भी दिल्ली अलग है तो केवल कह देने मात्र से कि अरे दिल्ली के पास लेजिस्लेटिव असेंबली है सीएम है कैबिनेट है दिल्ली नॉ नहीं नहीं। क्यों ऐसा शर्मा के जी कहते हैं फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी मैं बताता हूं पार्लियामेंट रिजर्व एबिलिटी टू रिप्लेस एनी लॉ अप्रूव बाय दिल्ली असेंबली इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल टू थर्टी नाइन डबल ए बड़ा ध्यान से समझिएगा सिक्सटी नाइन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया उन्नीस सौ में इसने दिल्ली को बेटा एनसीटी का दर्जा दे दिया लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह बना दी मतलब सांसद रहेंगे विधायक रहेंगे सरकार रहेगी एंटी डिफेक्शन लागू होगा कोरम सब कुछ ठीक है वो नाइंटी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लागू होगा लेकिन 239 ए जो सिक्सटी नाइन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बेटा शामिल किया गया था वो ताकत देता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को बहुत ध्यान से समझना देखो कोई बात नहीं करेगा पूरी शिद्दत से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को यह ताकत देता है कि दिल्ली के बनाए हुए किसी लॉ को पार्लियामेंट्री एबिलिटी टू रिप्लेस एनी लॉ दिल्ली के बनाए हुए किसी लॉ को आप रिप्लेस कर दें अब अब आप कह रहे हैं कि सर ये ये गलत है अब ये है विषय देश की जो संघात्मक व्यवस्था है देश का जो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है बेटा उसमें पार्लियामेंट के पास ज्यादा ताकत है इसकी आलोचना भी होती आई है तमाम स्कॉलर्स करते हैं बसु वगैरह भी करते हैं पायली वगैरह भी करते हैं उसका प्रकरण अपने को संज्ञान में रखना ही नहीं है मैं कहता हूं मेरे देश की जो संघात्मक व्यवस्था है उसमें पार्लियामेंट के पास ज्यादा पावर है यह केवल सिंगल विषय नहीं है जहां पर संवैधानिक सभा ने पार्लियामेंट को ज्यादा पावर दी बहुत सारे जैसा इमरजेंसी है आपका यह पार्लियामेंट के पास ज्यादा पावर है ऑल इंडिया सर्विस है आपका यह पार्लियामेंट के पास ज्यादा पावर है जो रेजिड्यूरी मैटर है सातवीं अनुसूची का आपका यह पार्लियामेंट के पास ज्यादा पावर है जो राज्यों को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी है आपका ये पार्लियामेंट के पास ज्यादा पावर है मतलब है अभी हम लोग मनी बिल के बारे में पढ़ रहे थे कि लोकसभा के पास ज्यादा पावर है तो बहुत सारे आपको ऐसे दृष्टांत मिल जाएंगे जहां पर एक सरकार एक संस्थान को ज्यादा पावर दी गई है यदि बेटा आप गलत की बात करेंगे ये गलत है इसको बदल दो तो फिर तो आपको सब बदलना पड़ेगा जहां जहां पार्लियामेंट के पास ज्यादा पावर है आप समझिएगा एप्रिशिएट करिएगा मेरी बात को अगर पार्लियामेंट ने खुद को ये एबिलिटी दी कि वो दिल्ली की सरकार के किसी निर्णय मतलब वगैरह कानून को बदल सकती है वॉट डज इट मीन कि बेटा पार्लियामेंट के पास ये पावर रही होगी ना संवैधानिक सभा ने इसे ये पावर दी होगी ना देश के संविधान ने इसे ये पावर दी है ना कि पार्लियामेंट अपने मन से कर दिया आर्बिट्रेरी काम कर दिया अगर पार्लियामेंट आर्बिट्रेरी काम करता तो व्हाट डू यू थिंक भारत की सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू से छोड़ देती देश की पार्लियामेंट को उन्नीस से 2023 तक मुझे बताओ येस और नो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को तो छोड़ा नहीं छोड़ दिया नरेंद्र मोदी जैसे ताकतवर प्रधानमंत्री को तो छोड़ा नहीं मतलब मेरी आदत है उनका नाम ले लेते हैं फिर बच्चे कहते हैं आप उनका नाम क्यों लेते हैं कहने है का मतलब है जो अरुणाचल प्रदेश में हुआ नाबिया वाला जो केस है बेटा तो देश की केंद्र सरकार को डाटा ना सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर रहे हो तुम ये सब अब आप ये समझिए कि पार्लियामेंट ने खुद को यह अथॉरिटी दी एक संवैधानिक संशोधन से दी और सुप्रीम कोर्ट उन्नीस से 2023 तक बेटा ये जो आर्टिकल 239 है इसको नहीं मतलब इसने सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या केवल कहने मात्र से सही गलत नैतिक अनैतिक के फैसले से पार्लियामेंट की पावर को अंडरमिन किया जा सकता है अगर किया जाएगा तो फिर कल इमरजेंसी की पावर को भी अंडरमिन करो ऑल इंडिया सर्विसेज की पावर को भी अंडरमिन करो रेजिड्यूरी पावर को भी अंडरमिन करो क्योंकि हर जगह पार्लियामेंट के पास ज्यादा पावर है तब क्या करोगे बताओ क्या है क्या लिख रहे हो तुम सर डीएसीएच कब भारत आए डीएसीएच डच एटा कहां से डच में पहुंच गए हम तो नाम भी नहीं लिए डच का चलो आगे बढ़ते हैं कभी कभार बच्चे ऐसा सवाल पूछ देते हैं टीचर गड़बड़ मतलब कहते हैं अरे आप एप्रिशिएट कर रहे हैं इस विषय को कि केवल कहने मात्र से चीफ मिनिस्टर कैबिनेट लेजिसलेटिव असेंबली है तो टू थर्टी नाइन डबल ए का क्या करोगे पार्लियामेंट के पास पावर है या तो आप खत्म कर दो टू थर्टी नाइन डबल ए को है ना चलो आगे बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल टू थर्टी नाइन याद कर लो आप सभी राष्ट्रपति भवन बट थ्रू लेनेंट गवर्नर हम कह रहे हैं एल जी की पावर खत्म कर दो अब आप बताइए जब हम दिल्ली को यूटी मान रहे हैं यूटी के लिए टू थर्टी नाइन कह रहा है कि जितनी भी यूटीज है देश में प्रेसिडेंट उसका एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा राष्ट्रपति भवन से नहीं अपितु एल जी से अब मुझे एक बात आप सभी सोचकर बताइए कि हम आर्टिकल टू थर्टी नाइन मानने को तैयार नहीं बाहर से आवाज आ रही है क्या डिस्टरबेंस की इसको बंद करवा दें कहो तो हम आर्टिकल टू थर्टी नाइन डबल ए मानने को तैयार नहीं हम कह रहे हैं हमें स्टेट फूट दे दीजिए तो बेटा यदि केवल मांगने से अगर केवल मांगने से संविधान से कंप्रोमाइज कर लिया जाए तो फिर कश्मीर वाले तो बहुत दिन से कह रहे थे हमको पाकिस्तान में जाने दो उधर नॉर्थ ईस्ट वाले भी कह रहे हैं हमको आजाद कर दो नया देश दे दो आप कहेंगे गुरु जी गलत कंपेरिजन करना मैं गलत कंपेरिजन नहीं कर रहा हूं हमें संविधान के साथ चलना है संविधान ये ताकत पार्लियामेंट को दे रहा है आप बदलवा दीजिए पार्लियामेंट बदल दे क्या प्रॉब्लम है भाई पार्लियामेंट में कोई एक सरकार तो रहती नहीं है अभी दस साल कांग्रेस की सरकार थी फिर अभी बीजेपी की थी उसके पहले बीजेपी की थी उसके पहले कांग्रेस की थी आप बदल दीजिए क्या प्रॉब्लम है आप बदल दीजिए इन दोनों आर्टिकल को और दिल्ली को स्टेट रूप दे दीजिए एल जी के को खत्म कर दीजिए लेकिन बेटा पार्लियामेंट ने किया नहीं पचहत्तर सालों में अब आप ये सारे जितने प्राइम मिनिस्टर हुए जितनी सरकारें हुई सब दिल्ली वालों से जलते हैं दिल्ली से जलते हैं नहीं इसके पीछे कुछ बड़े कारण हैं वो आपको समझना होगा एप्रिशिएट करना होगा क्यों जानवी ठीक है अनिकेत रावत समझ में आ रहा है बेटा चलो देखो कितना बढ़िया आर्टिकल है है ना अगर इस तरीके के आर्टिकल्स को आप एप्रिशिएट करें तो जो आपकी सोचने की क्षमता है संविधान को लेकर पॉलिटी गवर्नेंस को लेकर जीएसटू को लेकर जो लगता है लाखों बच्चों से अलग हो जाएगी लेजिस्लेटिव बॉडीज हैव ग्रांटेड इन सेवरल यूटीज ओनली फॉर सिंबॉलिक मतलब कहा ये जा रहा है दिल्ली कह रही है हमारे पास लेजिस्लेटिव बॉडी है भाई अमरिंदर बाहुबली को हम लेकर आए वो कहे क्या है दिल्ली सरकार तो कहा गया दिल्ली के पास लेजिस्लेटिव असेंबली है इसलिए दिल्ली की सरकार बिल्कुल अलग सरकार है लोग कह रहे हैं बहुत सारे यूटीज के पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है चेरी के पास है कि नहीं रोशन योग्यता बताओ आप कहेंगे है तो क्या केवल लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने मात्र से यूनियन टेरिटरीज की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है जो प्रॉब्लम है मतलब आप ये अगर कोई प्रॉब्लमेटिक स्टेट है तभी तो वो यूटी है नहीं तो उसे स्टेट नहीं बना देते भाई स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट आया एआरसी वगैरह आया दुनिया भर के डेवलपमेंट हुए यूटी मिठा उठा के स्टेट बना देते क्यों नहीं स्टेट बनाया गया उसके पीछे कुछ कारण होगा ऐसा तो है नहीं हमेशा से अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी जी थे अलग चीफ मिनिस्टर रहे होंगे अलग प्रधानमंत्री रहे होंगे क्यों नहीं दिल्ली को फुल फ्रेजेडेड स्टेट बना दिया गया उसके बहुत सारे कारण हैं अभी हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे ठीक है दे आर आर राइडर्स इन द केसेस ऑफ दिल्ली अब दिल्ली मैंने कहा खिलजी के समय भी अलग थी अभी के समय में भी अलग है दिल्ली देश की राजधानी क्या राइडर है बेटा द कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी ओवर सेवरल एरिया इंक्लूडिंग लॉ लैंड सिविल सर्विस जो सबसे बड़ा राइडर है मैंने आपको बता दिया बार बार उसे नहीं बताऊंगा कि संविधान है तो संविधान एल को ज्यादा पावर दे रहा है दे रहा है तो क्या किया जा सकता है संविधान को बदल दो संविधान को हम बदल नहीं रहे हैं चलिए और दूसरे विषयों को समझते हैं दिल्ली चीफ मिनिस्टर अ टूथलेस टाइगर विदाउट एल जी कंसेंट अभी, अभी तक तो यही होता आया है कि दिल्ली का जो गवर्नमेंट है आपने देखा होगा ना कभी फाइल एल जी के ऑफिस में जा रही है कभी फाइल मंगवा ली जा रही है मतलब बहुत नाटक होता है वहां पर एस के शर्मा जो फॉर्मर सीएस हैं दिल्ली के वो कह रहे हैं तो कि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर भले वो चीफ मिनिस्टर है वो कैबिनेट की मीटिंग तक नहीं बुला सकता है आप समझिए है, टाइगर है पक्के तौर पर लेकिन उसके दांत नहीं है एनी ऑफिशियल में है फाइल्स ऑर्डर डायरेक्टली बाय द द रिक्वायर्ड टू फॉलो रिटर्न गाइडलाइन आप बताइए दिल्ली का शासन किसके हाथ में है चीफ सेक्रेटरी के हाथ में है खुद दिल्ली का फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी बेटा कह रहा है कि हम सॉरी आवाज आई दिल्ली का फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी कह रहा है कि हमें एल के आदेश को मानना है एल हमसे कोई भी फाइल मंगवा सकते हैं और जो एल ऑफिस की गाइडलाइन होगी वो सीएस मानेगा अब दिल्ली का प्रशासन बेटा सबसे बड़ा अधिकारी आई ए है, है। खुद फॉर्मर सीएस कह रहा है ऐसा एज अ रिजल्ट द इलेक्टेड सिस्टम इन दिल्ली इज मैं टू सर्व एज एन एडवाइजर टू एल समझिए तो जो दिल्ली की सरकार है जो इलेक्टेड सरकार है बेसिकली वो केवल एक एडवाइजरी रोल की है कि वो एल को असिस्ट कर रही है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने दो हजार में कह दिया नहीं नहीं देखो एल का रोल लिमिटेड है दिल्ली की सरकार जो है वो चुनी हुई सरकार है यही दिल्ली के हाई कोर्ट ने कहा यही दिल्ली के सुप्रीम भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है इन वन ऑफ दिस आर्टिकल सीनियर फेलो निरंजन साहू ऑफ ओ आर एफ गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स इनिशिएटिव नोटेड दैट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन लाइक दी पार्लियामेंट प्रेसिडेंट स्टेट फॉरन लोकेटेड इन दिल्ली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैंने आपसे कहा ना कि अगर बेटा इतना ही आसान होता तो इतने सालों में आप मुझे यह बताइए कि दिल्ली को स्टेट मिल गया होता लेकिन अभय कुमार योगता जानवी, प्रिया कार्तिकेय भारतवंशी देश की दिल्ली में पार्लियामेंट सिचुएटेड है देश की दिल्ली में प्रेसिडेंट हाउस सिचुएटेड है देश की दिल्ली में दुनिया भर की एम्बेसी सिचुएटेड है अगर आपने दिल्ली की सरकार को पुलिस दे दी लॉ एंड ऑर्डर दे दिया लैंड दे दी, दी पब्लिक ऑर्डर दे दी तो देश का शासन बेटा केंद्र सरकार को चलाना है दिल्ली की सरकार को नहीं चलाना है दुनिया भर की एम्बेसी के लिए दिल्ली की सरकार नहीं जिम्मेदार है केंद्र सरकार जिम्मेदार है जो एम हैं जो जितने कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं जो सुप्रीम कोर्ट है जो हाई कोर्ट है वो पूरे देश को रेगुलेट करते हैं और उनके सुरक्षा और उनके जुड़े एडमिनिस्ट्रेशन की जो जिम्मेवारी है वो केंद्र सरकार की है दिल्ली के सरकार की नहीं है अब आप मुझे यह बताइए योगेंद्र सिंह यदि आपने दिल्ली के प्रशासन को दिल्ली के पुलिस को दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को दिल्ली से जुड़े लैंड को दे दिया किसे दिल्ली की सरकार को तो फिर बेटा केंद्र सरकार क्या करेगी ये जितने बड़े बड़े ऑफिस हैं रॉ आईबी अच्छा दिल्ली की सरकार को तुमने दे दिया अब आप समझिए दिल्ली और केंद्र सरकार में झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर दिल्ली की सरकार ने सारी पुलिस हटा ली रॉ के ऑफिस से हटा ली आईबी वाले से हटा ली प्रधानमंत्री के कार्यालय से हटा ली एक बार यूपी में एक झगड़ा तुमको बताते हैं सुन के आनंद आएगा उत्तर प्रदेश में हमारे बनारस के एक आईपीएस हैं, नाम नहीं लेंगे उनका और आईएस का झगड़ा हो गया उनका और एक आई का झगड़ा हो गया वो जहां पर एसपी थे वहां के डीएम से उनका किसी बात पे ईगो क्लैश हो गया होगा एस छोटा होता है रैंक में डीएम के प्रति जवाबदेह होता है लेकिन एसपी के पास पुलिस होती है भाई तीन चार हजार पुलिस वाले तो एसपी के इशारे पे चलते हैं एसपी सामने डीएम की सारी पुलिस विदड्रॉ कर ली सब डीएम साहब अगली सुबह निकली पता चला कोई है ही नहीं एस्कॉर्ड गया पुलिस गया गार्ड गया सब गया डीएम ने पूछा तो कह रहे वो एसपी साहब सारी पुलिस हटा लिए अब आप समझिएगा एसपी एक मतलब एक जिले की बात कर रहा हूं मतलब देश की इकाई में सबसे छोटा अधिकारी आप कह लें प्रेसिडेंट तो है नहीं वो एक जिले में जब ऐसे संभावना फिर बाद में भले एसपी को सस्पेंड किया गया सारी चीजें बहाल की गई मैं कह रहा हूं ऐसा दिल्ली में भी तो हो सकता है आपने दिल्ली के सरकार को दे दिया अभी वाली जो सरकार है बड़ी उत्पाती सरकार है मैं मानता हूं जो लोग काम करते हैं उनको उत्पाद करना पड़ता है अब आप समझिए अगर मतलब प्रेसिडेंट हाउस में पुलिस ही नहीं एम्बेसी में पुलिस ही नहीं एम्बेसी को लेकर कोई कंस्ट्रक्शन कराना है अमेरिका ने के तरफ से कहा गया कि साहब एक बिल्डिंग बना दीजिए एम्बेसी <laughs> के काम में बड़ी दिक्कत हो रही है केंद्र सरकार दिल्ली सरकार से कह रही है कि लैंड दे दो लैंड दे दो दिल्ली सर ना दे पहले उनके पचास हजार करोड़ का पैकेज डाल आप सोचिए कितनी प्रॉब्लमेटिक विषय मतलब सिचुएशन एलाइज हो सकती है यह बहुत बड़ा कारण है कि दिल्ली के पास पुलिस नहीं है दिल्ली के पास लैंड नहीं है लॉ एंड ऑर्डर नहीं है फिर सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी कौन लेगा दिल्ली की सरकार को दोगे एक ऐसे संस्थान की जिम्मेदारी जिसके ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है भाई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जिम्मेदारी पूरे देश की है अब आपने सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा बिटाई की स्टेट गवर्नमेंट को दे दी लो भैया क्या करेगी केंद्र सरकार इसीलिए दिल्ली की पुलिस केंद्र के पास है चलो अभी आगे और भी है मैं पढ़ना है ना स्टेट रिसर्च एंड एनालिसिस विंग लिए जिम्मेदार हैं है। इनके सारे अधिकारी इनके सारे एजेंट इनका सारा स्टाफ दिल्ली से काम कर रहा है इनको घर देना सुरक्षा देना कहां आना कहां जाना मतलब देश की सुरक्षा से जुड़ा विषय है ना अब इनके साथ जो पुलिस पर्सनल हैं वो अगर दिल्ली सरकार को दे दोगे तो डोंट यू थिंक सो आईबी और रॉ जो देश की सिक्योरिटी के लिए काम कर रही है आप उनकी सिक्योरिटी एक राज्य सरकार को दे दोगे आपको सही लग रहा है आप सोच के बताओ मतलब आईबी का एक बड़ा स्पेशल डायरेक्टर निकल रहा है अपने घर से कहां जा रहा है कहीं कहा नहीं जा रहा है उसके पीछे जो स्कॉट लगी है वो दिल्ली सरकार की है दिल्ली सरकार को पल पल की सूचना है आपको पता है बेटा जब किसी के ऊपर मतलब नजर रखनी होती है ना तो उसको सिक्योरिटी दे दी जाती है बहुत बार ऐसा हुआ है लेने वाला मना कर रहा है हमको नहीं चाहिए हमको नहीं सरकार करे कैसे नहीं लोगे तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है अब बेसिकली सुरक्षा नहीं करनी है सरकार को सरकार को स्पाई करना है कहां जा रहा है किससे मिला वो हमेशा इसे खड़ा है वो कह रहे बाहर जा रहे नहीं आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर वो देख रहा है और जाके बेटा बता दे रहे साहब आज दिन में इनसे मिले थे साहब आज दिन में उनसे मिले थे यहां गए थे तो आप मुझे बताइए क्या आप आईबी की रॉ की सुप्रीम कोर्ट की प्रेसिडेंट की पार्लियामेंट की सिक्योरिटी बेटा स्टेट गवर्नमेंट को देने को तैयार हैं? दिल्ली की जनता जो कहे स्टेट हुड क्यों नहीं मिल रहा है दिल्ली को बहुत बड़ा कारण है ये ठीक है और आईबी केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करती है रॉ केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करती है प्रेसिडेंट का सचिवालय केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करता है केंद्र सरकार का जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है जो अपना दरियागंज के पास है आईटीओ के पास वो केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करता है सुप्रीम कोर्ट का जो स्टाफ है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करता है मतलब अंतर्गत मतलब सुप्रीम कोर्ट का है लेकिन कहने का मतलब है दिल्ली में है तो जो देश भर की सुविधाएं हैं तो काम करेंगे यूनियन गवर्नमेंट का इनकी सुरक्षा वगैरह सारी कुछ स्टेट गवर्नमेंट की तो बेटा होगा और ऐसा क्लैश होगा इतनी प्रॉब्लम होगी जो देश की सिक्योरिटी को प्रभावित कर सकती है आपको पता है, कि को नहीं किया जा सकता है। जो एम्बेसडर वगैरह होते हैं कैसे गिरफ्तार करोगे इनको है ना इनके पास इम्यूनिटी है हमारे यहाँ की मैडम थी वो गई वहां पर अपने नौकर वोकर को मार दी वहां का जो फॉरेन का था फिर उनको भारत सरकार ने बुलाया वापस का वहां यूएस वाले गिरफ्तार कर लेते मैडम को लेकिन चूंकि मैडम एम्बेसडर थी तो वो यूएस कुछ कर नहीं पाया सोचो यूएस कुछ कर नहीं पाया हमारे एम्बेसडर के खिलाफ अब यूएस का कोई एम्बेसडर है चाइना वगैरह का कोई एम्बेसडर है हम कह रहे हैं पाकिस्तानी का एम्बेसडर क्यों ना हो अब बेटा एम्बेसडर कोई ऑफेंस करता है अब प्रॉब्लम ये है एज पर द प्रोटोकॉल ट्रीटी वगैरह कन्वेंशन जो भी आप कह लें नियम इंटरनेशनल लॉ के ही शी कैन नॉट बी अरेस्टेड दिल्ली की सरकार करके रहेंगे अरेस्ट पुलिस ने पकड़ लिया अब केंद्र सरकार को फोन उधर से आएगा अमेरिका से अमेरिका से फ्रांस वगैरह जर्मनी दुनिया का को कोई देश हो सकता है हाँ सर हम बात कर रहे हैं हम चीफ मिनिस्टर को मना रहे हैं और चीफ मिनिस्टर एकदम अडिग है हम छोड़ेंगे ही नहीं पहले हमारी बात मानो पहले मनीष सिसोदिया को छोड़ो आप कहेंगे गुरु जी कैसे बात कर रहे बेटा ऐसा हो सकता है भाई मनीष सोते सत्येंद्र जी बंद थे ना जेल में इतनी देर मान लो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कहने लगे हम नहीं छोड़ेंगे स्टेट इमरजेंसी अराजकता बहुत बार लग जाती है हो सकती है अब आप मुझे बताएं मैंने उदाहरण दिया ऐसा नहीं होगा लेकिन हो तो सकता है यू कैन नॉट रूल आउट दी प्रोबेबिलिटीज तो अगर ऐसी प्रोबेबिलिटी आ गई पुत्र तो क्या करोगे बताओ रोशन झा अब है पूजा प्रिया आप कहेंगे तो आप तो गजब पढ़ा रहे हैं मतलब जब उधर वाला पढ़ा रहे थे तो वो सही लग रहा था कि स्टेट हुड मिलना चाहिए इधर वाला पढ़ा रहे हैं तो लग रहा है यही है क्रिटिकल एनालिसिस कि आप जो लिख रहे हैं पूरे कन्विक्शन के साथ लिख रहे हैं ठीक है वर्णिका चलो कल हम लोग कल हम लोग पानीपत के प्रथम युद्ध पर चर्चा करेंगे कितनी डायवर्सिटी है एपी सर की क्लास में कहा अरविंद केजरीवाल कहा पानीपत का प्रथम युद्ध कल हम लोगों ने पढ़ा गौरी के बारे में कल की जो क्लास होगी वो पानीपत को लेकर होगी अभी बता दे रहे हैं चलिए ठीक है ये मैंने बता दिया हाँ तो इसीलिए इंडियन एक्सप्रेस लिखता है बेटा एज अ रिजल्ट देर इज द कंपेलिंग केस अगेंस्ट शिफ्टिंग दिल्लीज एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम सेंटर टू स्टेट यह बड़े महत्वपूर्ण कारण है मैं इससे भी महत्वपूर्ण कारण आपको बतलाता हूं आपका दिमाग चकरा जाएगा अब ये राजनीति है कि बहुत सारे राज्य सरकार मतलब महाराष्ट्र वाले बीच में कूद गए थे उद्धव साहब और ममता बनर्जी कह रही है अखिलेश कह नहीं नहीं दिल्ली के पास स्टेट ढूल होना चाहिए अखिलेश यादव को देश की राजनीति का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलाना है जब प्रधानमंत्री लाल किले को जाएगा जाता है कि नहीं भाई प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री की स्पीच होती है और इंटरनेशनल इवेंट होता है दुनिया के कई राष्ट्रपति सामने बैठे रहते हैं प्रधानमंत्री बैठे रहते हैं पूरी दुनिया देखती है हम अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं भारत के प्रजातांत्रिक इतिहास में 26 जनवरी 15 अगस्त का जो उद्घोषणा होती है मतलब जो स्पीच होती है वो हमारे संविधान के लिए संवैधानिक इतिहास प्रजातंत्र के लिए गणतंत्र के लिए सबसे प्रमुख घटना है अब आप समझिएगा उससे जुड़ा एक पहलू आपको बता रहे हैं अब ये सारे राज्य सरकार वाले जो कह रहे हैं वो छोड़ दीजिए मैं आपको बताता हूं आ गया जी ठीक है चलो समझिएगा मेरी बात को द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज इज हैविंग टू गवर्नमेंट इन द सेम स्टेट नो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अफोर्ड टू डेलीगेट दीज वाइटल इश्यूज टू समन एल्स इन अ सिटी वेयर इट ऑल्सो ऑपरेट एक ही शहर से बेटा केंद्र सरकार को भी ऑपरेट करना है राज्य सरकार को भी ऑपरेट करना है और जो सारे महत्वपूर्ण मुद्दे मैंने आपको बताया ये सभी बेटा क्लैश करेंगे आगे चल के यदि दिल्ली की सरकार को स्टेटहुड दे दिया जाता है रेखा अच्छा इनके बारे में अभी मैं पढ़ाऊंगा <coughs> फॉर्मर दिल्ली चीफ सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उमेश सैगल सेड शुड दिल्ली बी ग्रांटेड स्टेट हुड पट्टा भाई सीतारामैया संवैधानिक सभा में आपको लेकर चल रहा हूं पट्टा भाई सीतारामैया प्रेजेंटेड द टॉपिक फर्स्ट टाइम दो बी आर अंबेडकर जवाहरलाल नेहरू एंड अदर रिफ्यूज टू कॉपरेट ही सक्सेसफुल इन ऑप्टेनिंग चीफ मिनिस्टर विद लिमिटेड पावर इन पार्ट सी स्टेट ध्यान से समझिएगा दिल्ली दिल्ली के पास अपना चीफ मिनिस्टर दिल्ली के पास सरकार इट वॉज बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स मेड बाई भाई सीतारामैया जवाहरलाल नेहरू जी खिलाफ थे बी आर अंबेडकर जी भी मतलब में थे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए पट्टा भाई ने कन्विंस किया हाउस को। और उन्होंने बेटा रिजोल्यूशन को पास करा लिया बी आर अंबेडकर जवाहरलाल नेहरू के रिफ्यूज करते हुए भी कि जो पार्ट सी है वहां पर दिल्ली को रख दीजिए चीफ मिनिस्टर को रख दीजिए हा बाकी एल वगैरह को रख दीजिए चीफ मिनिस्टर को एल के सब्जेक्ट को बना दीजिए एक और बढ़िया किस्सा आप लोगों को बताऊंगा जो पहले चीफ मिनिस्टर थे ब्रह्म प्रकाश जी ठीक है ये कांग्रेस के ही थे लेकिन ब्रह्म प्रकाश जी का झगड़ा हो गया गोविंद वल्लभ पंत से ये पंत यूनिवर्सिटी वगैरह आप लोग देखते हो ना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है जब ब्रह्म प्रकाश जी का झगड़ा हुआ झगड़ा मतलब आप समझते हैं वही राजनीतिक झगड़ा आइडियोलॉजिकल झगड़ा गोविंद वल्लभ पंत से तो बेटा गोविंद वल्लभ पंत चूंकि होम मिनिस्टर थे पुलिस वगैरह लॉ एंड लॉ एंड ऑर्डर सब होम मिनिस्टर के पास रहता है ब्रह्म प्रकाश जी को अपनी कुर्सी गवानी पड़ी सोचो तो क्या नेहरू जी क्या बी आर अंबेडकर जी क्या पट्टाभाई सीतारामैया क्या पचहत्तर साल से चली आ रही पार्लियामेंट इन सब को बेटा ज्ञान नहीं था इन सबको चिंता नहीं थी कि दिल्ली के पास स्टेट होना चाहिए क्योंकि इन सभी ने दिल्ली को फुल स्टेट हुड ना देने की वकालत की अब जिस लाल किला की मैं आपसे बात कर रहा था ये स्लाइड बड़ी देर में आई अब आप मुझे समझ समझाइए कि जब प्रधानमंत्री इस देश का इंडिपेंडेंस डे सेल्यूट के लिए बेटा निकलेगा लाल किला को जब पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी उसे देख रही है कि क्या बोलने वाले हैं प्रधानमंत्री 26 जनवरी के परेड में क्या ऐसा होने वाला है पाकिस्तान देख रहा है टीवी के उस पार अब आप समझिएगा कितना क्रूशियल पीरियड होता है पता नहीं तुम लोग छब्बीस जनवरी वगैरह पंद्रह अगस्त को दरियागंज वगैरह गए हो कि नहीं तो हमको एक बार पुलिस पकड़ ली थी हम ऐसे हाफ पेंट में गए थे कुछ सामान लेने मेरी बुआ की सौ साल पुरानी कोठी है उधर ये जो ब्रह्म प्रकाश जी हैं वहां बहुत आते थे तो हर व्यक्ति को शक की निगाह से देखा जाता है ऑलमोस्ट सबकी छत पर पुलिस वाले होते हैं सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में स्नाइपर्स बेटा दरियागंज की छतों पर मौजूद रहते हैं इतना क्रूशियल इवेंट रहता है ये जो इंडिपेंडेंस डे सैल्यूट है छब्बीस जनवरी पंद्रह अगस्त है ना आप समझिए देश मन आजादी के बाद से अब तक और आने वाले सैकड़ों हजारों साल तक यह महत्वपूर्ण है अब आप समझिए प्रधानमंत्री निकल रहे हैं पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है भाई दुनिया के देशों में क्या हो रहा है इंटरनेशनली सारे देश देखते हैं एक एक प्रधानमंत्री के पास से पुलिस गायब पुलिस गायब हो गए प्रधानमंत्री के पास से अब आप मुझे बताओ कैसे बेटा ये इवेंट होगा विराज गुज्जर तुम आ गए उत्पाद करने बताओ पढ़ तो लिए तुम्हारा कमेंट एक ही कमेंट 500 बार करोगे तो ऐसा थोड़ी ना है कि टीचर उसको 500 बार पढ़ेगा पढ़ लिए बेटा हमको बेटा इससे मतलब नहीं है कांग्रेस ने क्या किया या बीजेपी ने क्या किया हमको मतलब है कि देश के संविधान में क्या प्रोविजन दिए गए हैं ठीक है, है? चलो मैं आपको आगे लेकर चलता हूं ध्यान से समझिएगा उमेश सिंह सैगल बेटा कहते हैं कि फिर क्या होगा रेडफोर्ट वगैरह जो मैंने आपको कहानी बताई अब आप बताइए ये जो पालम वगैरह का इलाका है कितना हाई सिक्योरिटी जोन का इलाका है अब आप अगर कहें कि साहब इसको स्टेट होड में दे दीजिए तो प्रॉब्लम है फिर 26 जनवरी 15 अगस्त अगर आप कहें कि पालम वगैरह दरियागंज का जो इलाका है आप दिल्ली को स्टेट हुड दे दीजिए लेकिन पालम वगैरह दरियागंज का जो इलाका है वो केंद्र सरकार के पास रहने दीजिए आपको मैं बताऊं दिल्ली की सरकार ना गरीब हो जाएगी दिल्ली की जो सरकार है जो फुल स्टेट हुड वाली जो सरकार होगी ना अपने घुटनों पर आ जाएगी कभी तुम लोगों ने नगर निगम को ऑफिस देखा है दिल्ली में दरियागंज क्षेत्र में क्यों केवल दरियागंज में है कहीं और क्यों नहीं है दिल्ली की रेवेन्यू की सेंट्रल नर्व है पालम दिल्ली दरियागंज दिल्ली चांदनी चौक सोचिएगा आप दे सकते नहीं है राज्य सरकार को और राज्य सरकार को फुल स्टेटहुड देने के बाद यदि आपने पालम दरियागंज चांदनी चौक वगैरह का जो इलाका है वो अगर केंद्र सरकार के पास रखा तो फिर स्ट्रगल होगा पावर स्ट्रगल होगा कि रेवेन्यू तो आपने हमको दिया नहीं जिम्मेदारी उल्टा दे दी तो आप समझिए दे ही नहीं सकते आप लाल किला के आसपास के इलाके को किसी राज्य सरकार को अच्छा मान लो कल को दिल्ली के पास स्टेट उठा गया मैं आपसे मतलब ट्रू ओपिनियन जानना चाहता हूं ममता बनर्जी वहां की चीफ मिनिस्टर बन गई ममता दीदी का अपना काम करने का स्टाइल है मैं उनका प्रशंसक हूं ममता दीदी मतलब जिसे कहते हैं रेवोल्यूशनरी मतलब सही गलत बात का होगा अभी जो सही लग रहा है वो करो जो उनको सही लग रहा है अब आप बताओ फिर क्या होगा हाँ ऐसे उदाहरण भी हैं हमारे पास जहां पर एक ही शहर में दो सरकारें चल रही हैं मैं आपको दिखलाता हूं रेखा सक्सेना है रेखा सक्सेना ने बेटा इसे हाईलाइट किया था रेखा सक्सेना दिल्ली विश्वविद्यालय में है पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर उन्होंने कहा आप कैनबरा को देख लीजिए ब्रास्ट्रलिया को देख लीजिए डीसी को देख लीजिए वॉशिंगटन डीसी को ठीक है यहां दोनों सरकारें चल रही है भाई वॉशिंगटन डीसी में राज वाली भी चल रही है केंद्र भी चल रही है लेकिन बेटा हमको अपनी जरूरत अपनी परिस्थिति अपनी सुरक्षा अपने इतिहास को लेकर उस दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना है वॉशिंगटन डीसी में क्या होता है अगर वाशिंगटन डीसी के नियम को मानना होता तो हम क्यों अपना फेडरलिज्म लेकर आते हम अमेरिका के फेडरलिज्म को लेकर आगे बढ़ते ज्यादा हमारा हमारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है अब आप, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या मैंने इस टॉपिक के साथ न्याय किया आपको यह टॉपिक समझ में आया आपकी समझ बढ़ी अगर आप अब विराज गुजर अपना सवाल पूछ सकते हो हम तुमको इनवाइट करते हैं हर बच्चे को इनवाइट करते हैं बेटा ठीक है तो ये बेटा कल की क्लास है कल अपन सुबह जब 11 बजे मिलेंगे तो हम लोग फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत पढ़ेंगे ठीक है जानवी, अब है अच्छा मैं आप सभी का ध्यान बहुत सीरियस विषय पर आकर्षित करना चाहता हूं बेटा देखो ये ऑफर कब खत्म हो रहा है आज खत्म हो रहा है आज रात को 12 बजे तक यदि आपने मुझसे बात कर ली यदि आपने अपने लोन के फॉर्म को भर दिया मतलब मुझे पेन आधार भेजा ठीक है ना तो क्या होगा आपको एक हफ्ता और मिल जाएगा लेकिन बेटा यू नीड टू एक्ट बिफोर ट्वेल्व रात्रि 12 बजे के पहले आपको यह फैसला लेना होगा कि हां आपको यह ऑफर चाहिए आज के बाद हो सकता है ये 1.5 पॉइंट ना रहे 12 पे 4 मिले 18 पे 6 मिले 24 पे 9 मिले जैसे पहले मिलता था लेकिन ये जो एक्स्ट्रा पीरियड है ये बेटा हजारों का है 40 40 50 60 साठ हजार का एडमिशन जो है फ्री दे रही है अकेडमी तो ये बहुत बढ़िया ऑफर है और इसके साथ एक जो दूसरा ऑफर है कि कल को आप जब सफल हो जाएंगे तो आप अन अकेडमी से पूरा पैसा अपना वापस ले लीजिए ठीक है ना अभ्यर्थी से अधिकारी वाला जो कार्यक्रम है अब यह फैसला आपको करना है कि आपको अपने घर के पैसे बचाने हैं नहीं बचाने हैं आपको प्लस आइकोनिक पर आना है एक पर्सनल एजुकेटर के साथ पढ़ना है कि खुद ही पढ़ना है मतलब कभी इस चैनल पे देख लिया कभी अड्डा वगैरह पे देख लिया कभी कहीं देख लिया बाइजू देख लिया अन देख लिया दिन भर देख रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे आपने इतना ज्यादा पढ़ लिया कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि करें क्या लेकिन एक आपके साथ का बच्चा जैसे अमृता है क्लास में मेरे पास तो डेढ़ सौ बच्चे हैं प्लस के वो सुबह उठता है अपना टाइम टेबल बना लेता है कि दो घंटे ये क्लास चलनी है दो घंटे हिस्ट्री की चलनी है दो घंटे की पीवाई को सेशन होगा एक घंटा डाउट क्लियरिंग सेशन होगा एपी सर रात को दस बजे आएंगे पूरे दिन का टाइम टेबल उसे पता है वहीं दूसरी तरफ बच्चा है वो अभिमन्यु की तरह चारों दिशाओं में तीर छोड़ रहा है अभिमन्यू नहीं बनना पता होना चाहिए इन और आउट कैसे होगा है ना केवल पढ़ते रहोगे केवल पढ़ते रहोगे केवल पढ़ते रहोगे कहीं नहीं पहुंचोगे पीएचडी नहीं करना है तुमको मेरी तरह तुमको बेटा यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना है तो मैं अपना टेलीग्राम चैनल अभी तुम लोगों को दे देता हूं ठीक है हाँ देखो लंकू कितना अच्छा लड़का है तुरंत भेज देता है कमेंट में तो किसी बच्चे के मन में कोई डाउट तो नहीं है मैंने अपना टेलीग्राम चैनल भेज दिया ठीक है कमेंट सेक्शन में सर मेरा क्या होगा अरे तुम्हारा एडमिशन होगा आज नहीं तो कल बस तुम तैयार रहो घर वाले आज नहीं मान रहे कल मान जाएंगे भाई तुम जित करती थी ना बचपन में खिलौनों के लिए थोड़ा बड़े होके कपड़ों के लिए दोस्तों के साथ पार्टी में जाने के लिए तो अपने लिए जीत करो आज मत करो एक महीने तक करो दो महीने करो घर वाले मान जाएंगे लोन है आने का तो ये बेटा जो मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम है ये भी बहुत अच्छा है मतलब जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया उनके लिए तो मैंडेटरी है आप लोगों के लिए भी बड़ा अच्छा है कि आप लोग बेटा जो देश के दिग्गज एजुकेटर्स हैं वो सभी आपके आंसर्स को रिव्यू करेंगे तौर पर आप इसका भी फायदा उठा सकते हो यह एक मार्गदर्शन कार्यक्रम चल रहा है का कि वन वन और ग्रुप आप उधर मेरे बाएं तरफ उसकी प्राइस देख सकते हैं, बड़ी सस्ती है। तो बढ़िया है मोटिवेशन मिलेगा, डाउट सेशन मिलेगा, से बात करने का मिलेगा। मतलब डेली मतलब का मतलब है कि आते रहेंगे टॉपर्स टॉपिक वाइज उट मिल जाएगा करंट अफेयर के आर्टिकल्स मिल जाएंगे सब्जेक्ट वाइज रिकॉर्डेड स्ट्रेटेजी की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी मेंस की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी वन बाय वन लाइव मेंटरशिप मिल जाएगी आप मेरे जैसे किसी टीचर की शिकायत नहीं करेंगे उससे बात कर लेंगे मतलब दुनिया भर की चीजें हैं ठीक है तो ये कार्यक्रम भी अन का भी चल रहा है और ये देश के दिग्गज एजुकेटर है हमारा अगला बैच बाईस जून से आ रहा है इंग्लिश का हिंदी का भी बेटा 22 जून का आ रहा है जिन एजुकेटर्स के आप फोटो देख रहे हैं उन्हीं के साथ आप आगे बढ़ेंगे और अन अकेडमी का लोन जो मेरी नजर में सबसे बढ़िया है आपका या आपके परिवार का किसी के पास पैन आधार हो बेटा तो अन अकेडमी आपको लोन दे देगी फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी फीस को बारह अट्ठारह महीने में छोटा 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 ई करके दे दो ठीक है तो चलिए ठीक है फिर मैं चलता हूं कल सुबह मिलूंगा आपसे ग्यारह बजे आप तैयार रहिएगा पानीपत के प्रथम युद्ध को पढ़ने के लिए मेरे साथ और मैं डेली आपसे कहता हूं जो भी बेटा पढ़ रहे हो उसका नोट्स बनाओ बिना नोट्स कोई फायदा नहीं है ठीक है चले जानवी प्रिया अनोखी रुतुजा हम्म चलो फिर थैंक यू सो मच एवरी वन अब कल मिलेंगे सुबह ग्यारह बजे ठीक है चलो